ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડે તેમની ગુજરાતની મુલાકાત દરમિયાન નર્મદા જિલ્લાના એકતાનગર ખાતે અખંડ ભારતના શિલ્પી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબની વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લઈ અતિ વિરાટ સરદાર સાહેબની પ્રતિમાના ચરણોમાં પુષ્પ અર્પણ કરી ભાવવંદના કરી હતી। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़े मुलाकात पोथी में पोताना प्रतिभाव में जणाव्युं हतुं कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी चरणों में भारत की सेवा में धन्य स्फूर्ति ऊर्जा उत्साह ने प्रेरणा की अनुभूति थई लोखंडी पुरुष और भारत ने एकीकृत करना ने साचा अर्थ में श्रद्धांजलि सरदार साहेब की प्रतिमा और संग्रहालय अपन स्वतंत्रता सेनानी ऐतिहासिक सिद्धिओ महान बलिदानों की याद अपावे। तमाम देशवासियों ने खास करीने युवानों ने राष्ट्रीय तीर्थ स्थल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार साहेब की प्रतिमा की मुलाकात लेवा अने सरदार ना जीवन दृष्टि अदम्य वलण अने आदर्शों थी प्रेरित थवा आह्वान कर्यु हतु। जब यहाँ पर फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन यानी जो स्टैचू हुआ था जिसमें भारत के किसानों ने अपना सबसे बड़ा योगदान इस पीएम की बात बनाकर इस स्टैचू के निर्माण कार्य में इसे तिरंगा जी ने दिया हुआ है जिन्हें हमें दान के रूप में मिला था और उसी के साथ हमने भी लाइन से हम जॉइंट गैलरी की तरफ जाने के बिल्कुल खाली है और उस हॉलो कंस्ट्रक्शन में जो था वो सरदार पटेल ने 1946 ये संकेत देने मन में आए जो भी इस प्रतिमा को देखें इस वजह से हम लोगों की 80-90 साल बाद ब्लूइश ग्रीन में कन्वर्ट होगा। रिमेनिंग है लेकिन अभी जो स्क्रीन लाख हेक्टर अभी डेवलप कर दिया है पानी यहाँ फिट यस सर वाटर डेप नहीं ये रोप है सर रोप है और पूछ सकते हैं ठीक है। जमीन की वो मात्र 5 से 6 किसी का भी देखने को मिलेगा जिसने 60 प्रति चेस्ट का भाग है तो उसमें हार्ट की जगह पे अर्जेंटली या मन को